Okay guys, so we have reached to our hotel and this is our room. Allahumma inni asaluka al-afia wal afia fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और आज मंडे का दिन है. हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मक्का से मदीना की तरफ और ये सफ़र जो है वो मिली जुली कैफियत के साथ है. मक्का छोड़ने की उदासी भी है और मदीना जाने की खुशी भी. इंशाल्लाह काबे की तरह मदीना की भी तमाम व्लॉग्स बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, तो आपने पूरे व्लॉग्स में बने रहना है. Wow. Chale. Oh my God, you're so cute. Hello. Hello. मक्का से एक्चुअली मदीना का जो सफ़र है वो तकरीबन 460 किलोमीटर के करीब है और जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली को 5 घंटे लगते हैं. और अभी हमने तकरीबन 1 से 2 घंटों का ही ट्रैवल किया होगा कि जब हम एक स्पॉट ऐसा हमें मिला जहाँ पर हमें ये बड़ा खूबसूरत से बंदर नज़र आया, तो हम फिर इनको देखने के लिए रुक गए थे. जी गाइज़, अभी हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे में हैं और टाइम इस टाइम हो रहा है 5:26 क्योंकि अभी मगरिब भी होने वाली है. तो हम लोगों ने सोचा कि साथ ही कुछ खा भी लेते हैं और फिर मगरिब की नमाज़ भी अदा कर लेंगे. तो अभी हम लोग रुके हैं अलबैग पे, तो यहाँ से बच्चे नगेट्स वगैरह लेंगे या चिकन पीस वगैरह जो अलबैग का होता है वो लेंगे और फिर खाने के साथ ही हम लोग अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे. अभी क्योंकि हम लोग सफ़र में हैं और मदीने की हदूद में नहीं दाखिल हुए हैं तो इसलिए अभी तो हम कसर पढ़ सकते हैं. बेसिकली दुनिया में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप कसर नमाज नहीं पढ़ते हैं. मतलब 2 जगह तो फॉर द श्योर, मस्जिद अल-हरम यानी कि हरम शरीफ यानी खाना काबा और उसके अलावा मस्जिद नबवी जहाँ पर आप कसर नमाज अदा नहीं करते. ज़ाहिर है कि यहाँ पर तो हम जितनी ज़्यादा इबादत कर सकें उतना ही जो है वो अफजल है, तो इसलिए फिर यहाँ कसर नमाज का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. इसलिए मक्का मदीना में आकर हम ऐसा करते हैं कि कसर नमाज बिल्कुल नहीं अदा करते, बल्कि होती ही नहीं है कसर नमाज ना. तो अल्लाह पाक जो है अपने घर की ज़ियारत हर किसी को नसीब करे और आगे आगे जैसे जैसे अब हम मदीने में जाएंगे. मदीने में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ज़ियारत है, मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद कबा है. जैसे जैसे इन ज़ियारतों पे जाएंगे, जबल उहद है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करूँगी. ऑलरेडी जब हम लोग लास्ट टाइम रमज़ान में आए थे तो हम लोग डिटेल में इन तमाम ज़ियारतों पर होकर आए थे, विज़िट किया था. बट यस, उनके बच्चों की अभी मेमोरी जो है वो डेवलप हो रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको रिफ़्रेश करते रहें ताकि वो छोटे छोटे वाक़ियात जो इन मस्जिदों से एसोसिएटेड हैं वो भी उनके माइंड में रहें, प्लस उनकी जो मेमोरी है वो मतलब बढ़ती रहे और उनको इस्लाम के बारे में जो उनका नॉलेज है वो बढ़ता रहे. हर बार मक्का छोड़ते वक्त ही दिल बहुत उदास हो जाता है मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है. तो फिर आज भी कुछ ऐसा ही था. हालांकि रात को ये कंफर्म था कि मतलब अब लास्ट उम्रा है मेरा और हम लोग सुबह वापस जा रहे हैं, बट सुबह उठते मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि आई जस्ट वांट टू गो वन मोर टाइम. और उन्होंने मुझे कहा कि हालांकि मैं चेकआउट करना है, टाइम पे निकलना है. तो बट मैंने फिर जब उन्हें पता था कि मतलब नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन हो रही, मुझे एक दफ़ा फिर जाना है, तो दैन ही सेड ओके ठीक है. मतलब फिर मैं बच्चों को जस्ट उनकी ड्रेसेस वगैरह रख कर सब कुछ आयरन वगैरह कर आ गई थी. आई थिंक मैं 10:30 बजे के करीब आई होंगी हरम में. होटल से निकली थी और मुझे ऑलमोस्ट 11 बजे के करीब मैं हरम में थी. तो वहाँ पर मैंने बेसिकली कुछ नमाज़ें अपनी जो क़ज़ा फजर की थी वो अदा की, जो पिछले कहीं रह गई मैं वो अदा की. उसके अलावा तवाफ़ किया और तवाफ़ के बाद मैं निकल रही थी और वही वाली बात कि मुझे कॉल्स आ रही थी कि मैं वापस आ जाऊँ, चेकआउट का टाइम हो रहा है. बट मैं ना किसी तरह टाइम लिंगर अराउंड करती जा रही थी और मैंने अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह पाक, मेरे जहन में था कि ज़ोहर की नमाज़ 12:30 पर होती है और उस टाइम 12 बजे थे जब मेरे हस्बैंड की मुझे लास्ट कॉल आई। तो मैंने उनसे कहा मैं जोहर पढ़ लूँ, तो ये सेट कि नहीं चेकआउट लेट हो जाएगा, आप आ जाओ। तो आई जस्ट थॉट आज मैंने अल्लाह पाक से कहा अल्लाह पाक ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अल्लाह पाक आज जोहर जल्दी कर दें, एक और बाजमात जो है नमाज अपने हरम में नसीब कर दें मुझे ना। और जाहिर है मेरा ही टाइम जो है वो मुझे ठीक से टाइम का आइडिया नहीं होगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी ऐसी दुआ सुनी कि मैं सही की जानिब से बाहर की तरफ निकल रही थी, मताफ ऊपर से होकर बाहर की तरफ निकल रही थी गेट नंबर 3 की जानिब जो क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने पड़ता है। तो मैं उससे बाहर निकल रही थी कि ज़ोहर की नमाज़ होना शुरू हो गई और फिर जो अजान होना शुरू की, और अजान और अकामत के बीच में जो टाइम होता है वो फिर मैंने इस तरह किया कि मैंने उस टाइम में अपनी एक और क़ज़ा नमाज जो है वो पढ़ ली ज़ोहर की। और जैसे ही ज़ोहर हुई मैंने मतलब 4 सुनते और ज़ोहर की क़ज़ा नमाज पढ़ी, और जैसे ही ज़ोहर हुई मैंने फटाफट ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़े और मैं फ़ौरन से जो है वह निकल आई। तो जल्दी से फिर मैं पहुँच गई और अलहमदिल्ला फिर हम लोग टाइम पर निकल आए थे, होटल से भी सब चीज़ें हो गई। तो बस बताने का मकसद ये है कि ये जगहें ऐसी हैं कि यहाँ पे दिल करता है कि इंसान बस ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा बस नेकियाँ जो हैं उसको समेट ले और उसके अलावा जितनी अपनी बख्शिश करवा सकता है वो करवाए ना। तो हर मौके पर हर वो जगह जहाँ मैंने अपने लिए दुआ की, आप सबके लिए भी दुआ की। अल्लाह पाक मेरी जो दुआएं हैं वो मेरे हक़ में भी और आप सबके लिए भी जो मैंने दुआएँ की हैं उन्हें कबूल और मंजूर करें, आमीन। तो अभी जो है जैसे जैसे अब आगे चलते जाएंगे हम लोग, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। A few moments later. And continue straight to stay on Omar bin Al-Khattab Road. It is almost 7:30 और अल्हम्दुलिल्लाह we have reached to Madinah। और यहाँ से भी होटल पहुँचने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। होटल वैसे हमारा मस्जिद के बिल्कुल सामने ही है, तो इंशाल्लाह विद इन सम फ्यू मिनट्स वी विल रीच देयर। और अभी कुछ दूर हैं और यहाँ से मस्जिद के मीनार्स नज़र आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और आलमोस्ट 8 o'clock के करीब हम लोग होटल पहुँचे थे। रूआ अल हिजरा हमारा होटल था जो कि मस्जिद नबवी के आलमोस्ट बिल्कुल सामने है, जो 35 गेट नंबर है जहाँ से हम जन्नतुल बकी के लिए एंटर होते हैं या रियाज़ अल जन्ना में जाने के लिए एंट्री होती है, वो उसके बिल्कुल सामने था। तो होटल भी काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू, अगर आप जाएँ तो ज़रूर विज़िट करें। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, इज़ जस्ट क्योंकि होटल अच्छा था सो जस्ट आई एम गिविंग माई ओन व्यूज़। मुझे इस टाइम बस इस चीज़ की जल्दी है कि जल्दी से हम लोग सामान रखें और सलाम करने के लिए हम लोग हरम में जाएँ। इशा की नमाज़ तो हो चुकी है लेकिन अब हम ख़ुद से अदा करेंगे और सलाम पेश करेंगे। दिस इज़ आवर रूम। एंटर होते साथ ही ये है right side पे washroom, just like this, commode section, और ये है cupboard area। फिर इसमें अभी हम लोगों ने थोड़ा सा सामान ऐसे ही रख दिया। this is extra pillows you keep and cold you have। coffee station है जहाँ पे चाय का सामान available plus coffee है। लॉकर, फ्रिज अभी ऑपरेट नहीं की गई। वर्क स्टेशन है, उसके अलावा दिस इज़ द बेड्स, राइटिंग स्टेशन। और सबसे खूबसूरत बात जो इस होटल की है, दिस इज़ हैज़ हरम व्यू माशाल्लाह। यहाँ से आपको पूरे हरम का व्यू आता है। बिल्कुल आप इस गेट से एंटर हों, ये हरम का एंट्रेंस का गेट है। इवन जैसे हमें सुबह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देनी है तो विल भी डायरेक्टली हम यहाँ से एंटर होंगे। और यहाँ से आप जो है वो मस्जिद के मेन पार्ट में इस साइड से एंटर होते हैं। और ये बेसिकली जो है दिस इज़ जन्नतुल बकी। सो गाइज़ मेक श्योर कि आपने ये नुसुक ऐप जो है इसको डाउनलोड किया हो उम्र पे आने से पहले, क्योंकि आपको जो रियाज़ अल जन्ना में परमिट मिलेगा जाने का वो इस ऐप के थ्रू ही मिलता है। और अब क्योंकि न्यू अपडेशंस आ रही हैं कि साल में एक दफ़ा ही आपको ये परमिट मिलेगा, तो इट इज़ बेटर कि आप इसकी अपॉइंटमेंट पहले ही ले लें। अपॉइंटमेंट्स बेसिकली फ्राइडे नाइट ओपन हो जाती हैं, टू मेक श्योर कि आप अपने जो अवेलेबल डेट्स हैं जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स ले लें। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।